वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का चौथा भाग, और आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा, तो चैप्टर रहेगा महाजन पद का उदय, और इसी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसमें हमने वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के क्वेश्चन को जो है शामिल किए हैं, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये लिंक है, और इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाजन पद का उदय जो है कब हुआ था, तो बुद्ध के जन्म के पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने 16 जनपदों में बांटा हुआ था, और इसकी जानकारी हमें कहाँ, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से निकलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो है ये महाजन पद का जो है हमें ग्रंथ का अध्ययन किस कहाँ से मिलता है, तो ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब आइए इनकी राजधानी देख लेते हैं, महाजन पद कितने थे, 16 थे, जिनकी राजधानियां देख लेते हैं। तो पहला है अंग, अंग की राजधानी कहाँ था, तो ये थे चंपा, और मगध, मगध के गिरिब्रज यानी राजगिरी, और मगध सबसे जो है शक्तिशाली महाजन पद था। नेक्स्ट है काशी, और काशी का राजधानी कहाँ था, तो वाराणसी, और कौशाम्बी, कौशाम्बी की राजधानी था, अति वत्स का राजधानी कहाँ था, कौशाम्बी। नेक्स्ट है बजी, बजी यानी वैशाली, ये जो है गणतंत्रात्मक जो है महाजनपद था। और बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, इन्हें साकेत भी कहा जाता था। और नेक्स्ट है अवंती, तो अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन या महिष्मति। और नेक्स्ट है मल, मल यानी मल का राजधानी कहाँ था, तो ये था कुशीनगर यानी कुशावत या पावा। अब शेष है पांचाल, तो पांचाल की राजधानी का था अहिछत्र एवं काम्पिल। और नेक्स्ट है चेदी, तो चेदी की राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती। और कुरु, कुरु था इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। और कंबोज का जो है राजधानी कहाँ थी, तो हाटक। और सुरसेन का राजधानी कहाँ, मथुरा। और अस्मक की राजधानी कहाँ थी, पोटली। और गंधार की राजधानी तत्सिला। तो ये जो है 16 महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ हैं, आप इन्हें जो है एक बार और देख सकते हैं ताकि आप जो है आसानी से याद हो जाए। अब नेक्स्ट ये बात करते हैं, ये जो महाजनपद थे ये पहले थे, तो आधुनिक जो है हम बात करेंगे कि आधुनिक जो है ये जगह कहाँ कहाँ से रिलेटेड है। तो बात करते हैं अंग महाजन पद की, तो अंग महाजन पद जो है आधुनिक में कहाँ में स्थित है, तो ये भागलपुर मुंगेर जो बिहार में है ये जो है फैला हुआ था। और मगध, मगध जो है पटना, गया, और ये जो है बक्सर के कुछ भाग में फैला हुआ था। और काशी, काशी तो जानते ही हैं, ये काशी है, काशी वाराणसी के आसपास के इलाके जो है काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और वत्स, वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र को जो है वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। और बज्जी, बज्जी यानी वैशाली, वैशाली इसकी राजधानी थी, और इसके अंतर्गत आधुनिक कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और आसपास के जो एरिया है वो जो है पहले बज्जी जो है महाजनपद के क्षेत्र में आते थे। और कौशल, तो कौशल के जो है ये जो है फैजाबाद के निकट के जो है एरिया को कौशल महाजनपद के अंतर्गत में जो है आता था। और नेक्स्ट है अवंती, अवंती अवंती जो है ये मालवा उत्तर प्रदेश के एरिया को जो है अवंती क्षेत्र में आता था। और मल, मल जो है ये मल की राजधानी कहाँ थी, कुशीनगर यानी देवरिया और गोरखपुर, ये सभी जो है मल यानी महाजनपद के अंतर्गत आता था। और नेक्स्ट देखते हैं पंचाल, तो पंचाल जो है बरेली, बदाऊ, फरीखाबाद के आसपास क्षेत्र जो है पंचाल के अंतर्गत आते थे।
और चेदी, चेदी जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत, और कुरु यानी आधुनिक दिल्ली और मेरठ और हरियाणा के जो कुछ क्षेत्र हैं वो कुरु महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट का बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य राजस्थान के भरतपुर, अलवर तथा जयपुर के आसपास के क्षेत्र जो है मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और कंबोज, कंबोज की बात करें तो राजौरी एवं हाजारा क्षेत्र, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में आते हैं, ये कंबोज जो है महाजन के अंतर्गत आते थे। और सूरसेन, तो मालूम है सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, तो मथुरा के एरिया जो है सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता है। और बात करें अस्मक की, तो गोदावरी नदी का क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या था? अस्मक। और गंधार की बात करें तो ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी एवं पेशावर का जो है एरिया जो है गंधार जो है जनपद के अंतर्गत आता था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, कि मगध पे जो है कौन कौन से राजाओं ने जो है शासन किया। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ था। और इसकी राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज यानी राजगीर था। और जरासंध जो है किसका पुत्र था? तो जरासंध भी जो है बृहद्रथ का पुत्र था, जो ये जो है ध्यान में रखें। और उसके बाद जो है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार थे, जो मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बिम्बिसार की, तो बिम्बिसार जो है कौन धर्म का अनुयायी था? तो बिम्बिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अब बिम्बिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी तो बनाया, लेकिन बिम्बिसार ने मगध पर कितना? 52 वर्षों तक शासन किया था। बिम्बिसार कितने वर्ष तक? 52 वर्षों तक शासन किया था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिम्बिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिम्बिसार ने जीवक को जो है उनकी सेवा सुरक्षा के लिए भेजा था। तो ये इम्पोर्टेंट जो है इसमें पूछ दिया जाता है कि जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो ये जो है जीवक जीविक को भेजा था। और एक यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका जिक्र हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करेंगे, अभी फिलहाल जो है अब मेन जो है सारांश से इसका पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और इसने कौशल नरेश किससे? प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, कौशला से, और वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से, तथा मध्य देश यानी जो आधुनिक में पंजाब में है की राजधानी छेमा से जो है शादी किया था। इसने कितना? 3 शादियां किया था बिम्बिसार ने। और बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, तो बिम्बिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। इसीलिए जो है अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। और बिम्बिसार की बात करें तो बिम्बिसार का उपनाम था श्रेनिक था, और अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक, कुनिका था जो इसका जो है अजातशत्रु का उपनाम था। और अजातशत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और नेक्स्ट देखते हैं कि अजातशत्रु जो है प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु जो है प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु के सुयुग मंत्री का नाम क्या था? वर्ष कार। और इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। और अजातशत्रु की जो है हत्या उसके पुत्र उदय ने 461 जो है ईस्वी पूर्व में कर दी, और वह मगध की गद्दी पर बैठा। तो इसकी भी हत्या उसकी पुत्र ने जो है अजातशत्रु ने हत्या अपने पिता किसका? बिम्बिसार का किया था।
तो अजात शत्रु के पुत्र जो है उदयन ने जो उसकी हत्या 461 में पूर्ण कर दी और वह राजगद्दी पर बैठा। और उदयन ने जो है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाटलीग्राम की स्थापना जो है किसने किया था, तो ये जो है उदयन ने किया था। और उदयन जो है किसका, जैन धर्म का अनुयायी था। और उदयन का जो है क्या, उदय भद्र के नाम से भी जाना जाता है। और हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था, तो अंतिम राजा था उदयन का पुत्र, यानी तीसरा पुत्र नागदशक था, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और नागदशक को जो है उसके अमात्य शिशु नाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्त करके जो है मगध पर शिशु नाग वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ ध्यान रखें, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे, तो ये थे नागदशक। और नागदशक की हत्या कर दिया था किसने, शिशु नाग ने। और उसने कौन सा वंश की स्थापना की, शिशु नाग वंश। और शिशु नाग ने जब अपनी अपना वंश का जो है शिशु नाग वंश की स्थापना किया, तब क्या किया कि अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर कहाँ ले गया, तो ये जो है वैशाली में स्थापित किया। और शिशु नाग का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो शिशु नाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक बना। और यह जो है पुनः राजधानी को वैशाली से कहाँ लेके गया, पाटलिपुत्रा लेके गया। और बात करते हैं शिशु नाग वंश की, तो शिशु नाग वंश के संस्थापक शिशु नाग ही था। और शिशु नाग का अंतिम जो है शासक कौन था, तो नंदीवर्धन जो है शिशु नाग वंश का अंतिम शासक था। और शिशु नाग वंश के बाद जो है मगध पर किसका जो है राज स्थापित हुआ, तो नंद वंश का। और इसके संस्थापक कौन थे, महापद नंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। और नंद वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, धनानंद था। और यह सिकंदर का समकालीन था। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। तो नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे और अंतिम शासक कौन थे, धनानंद। और इसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश का जो स्थापना हुआ उसका नाम था मौर्य वंश। तो आज हम मौर्य वंश का जो है अध्ययन जो है बाद में करेंगे। आज हम बेसिकली महाजन पद से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट जो है संक्षिप्त विवरण जो है इसी के बारे में देखते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हर्यक वंश के जो है संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। और इन्होंने कितना 52 वर्षों तक राज किया था, 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया। और इनका नाम था, उपनाम श्रेणिक था। और नेक्स्ट जो है उनका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो उनका उत्तराधिकारी अजातशत्रु। और उनका उपनाम था कुनिक। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 492 से 460 ईस्वी पूर्व। और इन्होंने कितने 32 वर्षों तक जो है शासन किया है। और उदयन, नेक्स्ट है उदयन। तो अजात, और यहाँ जो है अजातशत्रु ने किनकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या यानी बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और यहाँ अजातशत्रु का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो ये बना था उदयन। और उदयन जो है इन्होंने किसका, अपने पिता यानी अजातशत्रु का हत्या करके जो है 461 ईस्वी में हत्या कर दिया था। उसके बाद जो है मगध की सम्राट राजगद्दी संभाला। और बात करते हैं कि पाटलीग्राम के संस्थापक कौन थे, तो यही उदयन थे। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात किया जाए कि हर्यक वंश के जो है अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था नागदशक। ये नागदशक कौन था, तो ये उदयन का तीसरा पुत्र था। अब जो है हर्यक वंश के समाप्ति के बाद जो है मगध पर किसका जो है शासन स्थापित हुआ, तो ये शिशु नाग का हुआ था। और शिशु नाग वंश के संस्थापक शिशु नाग ही थे। और इन्हें 412 से 395 ईस्वी पूर्व तक राज किया। और इन्हें अपनी राजधानी कहाँ, इसकी राजधानी थी वैशाली।
और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो वो बना था काला अशोक, और काला अशोक जो है वैशाली से उठाकर अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? तो ये ले गया था पाटलिपुत्र। और नेक्स्ट बात करते हैं नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद मगध सम्राट, मगध जो है मगध पर किसका राज्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ नंद वंश का। और नंद वंश के शासक कौन थे? तो महापद नंद थे, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। और इसी धनानंद को जो है किसने हराया था? तो मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है युद्ध में पराजित कर जो है मगध पर मौर्य वंश का जो है स्थापना किया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, और एक बार वन लाइनर देखते हैं ताकि जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर वन है कि 600 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में 16 महत्वपूर्ण राज्य थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था महाजनपद। नेक्स्ट बात करें तो कौन सा महाजनपद का स्वरूप गणतंत्र था? तो बज्जी तथा यानी वैशाली क्या था इसका जो है स्वरूप गणतंत्रात्मक था, यानी वहाँ प्रजातंत्र शासन चलता था। और नेक्स्ट है कि 600 ईस्वी पूर्व में कौन कौन से जनपद शक्तिशाली थे? तो कौशल, मगध, वत्स एवं अवंती, ये जो है चार राज्य जो थे 600 ईस्वी पूर्व में काफी शक्तिशाली थे। अंगराज के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम क्या था? तो अंगराज के राजधानी चंपा थी, तो चंपा जो है इनकी राजधानी था। और नेक्स्ट है कि आधुनिक उत्तरी बिहार में प्राचीन काल में कौन से दो राज प्रसिद्ध गणराज थे? तो वैशाली के लिच्छवी एवं कपिलवस्तु के शाक्य, ये दो गणराज जो थे प्रसिद्ध गणराज जो थे लोकतांत्रिक गणराज थे। नेक्स्ट की बात करें तो कि लगभग 600 पूर्व में भारत में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया था? तो सबसे शक्तिशाली था 600 ईस्वी पूर्व में तो मगध था। और क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कच्चे लोहे की जो है भरमार थी, इसलिए जो ये काफी शक्तिशाली था। अब नेक्स्ट बात करें कि आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध सम्राट का भाग था? तो हमने जो ये पढ़ चुके हैं कि पटना और गया जिला तथा शाहाबाद यानी आधुनिक जो है बक्सर कहा जाता है कि कुछ भाग याद जो थे मगध जो है जनपद के अंतर्गत आते थे। और आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज कौन था? तो ये जो है तिरहुत, जो आज तिरहुत प्रमंडल है, ये जो है पहले लिच्छवी गणराज में जो है के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है कि काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो काशी जनपद की राजधानी वाराणसी थी। और कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और बात करें नेक्स्ट वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स क्या थी, कहाँ, कौशाम्बी। और अवंती के दो राजधानियाँ कौन कौन थी? तो उज्जैन एवं महिष्मति जो है अवंती के दो राजधानियाँ थी। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं मगध राज पर जो है किसने राज जो है कौन कौन से राजाओं ने जो है राज किया था। तो पहले हम बात करते हैं कि जरासंध, जरासंध जो है किसका पुत्र था? तो जरासंध जो था बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ये तो कब बैठा था? तो ये बैठा था 544 ईस्वी पूर्व में। और मगध राज का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो बिंबिसार ही था। और बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। और बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से, यानी हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबिसार ने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था। और नेक्स्ट है कि बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो ये तकरीबन कितना, 52 वर्षों तक शासन किया था। और कब से कब तक? 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक। कभी कभी आपको यहाँ पे 492 और 493 लिखा हुआ मिलेगा, तो इसको जो है आप में
ध्यान में रखिए, कहीं कहीं बुक में आपको 493 मिलेगा, तो आपको उससे कोई ये नहीं है, ये नहीं है कि ये गलत है या सही है, आप जो है महसूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिंबिसार की मृत्यु जो है किस प्रकार हुई थी। तो बिंबिसार ने के पुत्र जो अजात शत्रु था, उसी ने जो है उसे हत्या कर दिया था। और बात करें कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद मगध की राजधानी पर कौन बैठा था, तो उसी का पुत्र अजात शत्रु, और ये कब 492 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और अजात शत्रु का उपनाम क्या था, कुनिक था। और अजात शत्रु को जो है इस भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो है ध्यान में रखें। और अजात शत्रु का विवाह जो है किसके साथ हुआ था, तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री बजरा के साथ जो है अजात शत्रु का विवाह हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं कि अजात शत्रु किस धर्म को मानता था, तो अजात शत्रु जो है जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु ने कब से कब तक शासन किया था, तो 492 से 460 ईस्वी तक जो है, इसी पूर्व तक जो है अजातशत्रु ने शासन लग तकरीबन कितना 32 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अजातशत्रु को। और अजातशत्रु की मृत्यु के बाद मगध की राजधानी पर कौन बैठा, तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन। उदयन ने भी जो है अपने पिता यानी अजातशत्रु का जो हत्या करके जो है राजगद्दी पर बैठा था, और ये कब बैठा था, 460 ईस्वी के करीब बैठा था। और इसका शासन कब से कब तक रहा, तो 460 से 444 ईस्वी पूर्व तक। नेक्स्ट है कि किसके शासन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उदयन यानी उदयभद्र के शासन काल में जो है पाटलिपुत्र जो है बनाई गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक था नागदशक, और ये नागदशक जो है उदयभद्र का तीसरा पुत्र था, और तीसरा पुत्र था। और हर्यक वंश के बाद जो है हर्यक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो शिशु नाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम शासक जो नागदशक था, उनका जो है हत्या करके शिशु नाग ने जो है अपना शासन स्थापित किया, जिसका नाम था शिशु नाग वंश। और शिशु नाग के बाद जो है मगध की गद्दी पर कौन बैठा, तो शिशु नाग के बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, काकवर्ण यानी कालाशोक। और कालाशोक जो है इसी के काल में कितना 383 ईस्वी पूर्व में दूसरी जो है बौद्ध संगति हुई थी। तो ये जो है 34 क्वेश्चन नंबर है कि किसके शासन काल में बौद्ध की दूसरी संगति और किस स्थान पे हुई थी, तो ये कालाशोक के काल में हुआ था, वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बात करें शिशु नाग वंश के, तो शिशु नाग वंश का अंतिम जो है शासक कौन था, तो नंदी वर्धन जो है शिशु नाग वंश का अंतिम शासक था। और शिशु नाग वंश के जो है समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ, तो ये हुआ नंद वंश का। और नंद वंश के शासक कौन थे, नंद वंश के जो है स्थापना किसने किया था, तो ये किया था महापद नंद ने। और महापद नंद ने जो है नंद वंश के संस्थापक थे। और बात करें अगर नंद वंश के अंतिम शासक के, तो अंतिम शासक थे धनानंद। और जिस समय सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय मगध पर किसका शासन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का था। नेक्स्ट है कि मगध राज्य में मसाले और कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे, तो ये जो है दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। नेक्स्ट है कि बिंबिसार के समय जो है मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बना था, तो मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण जो है हथियारों और औजारों की इस राज्य में भरपार थी, इसलिए जो है बिंबिसार के समय मगध जो है काफ़ी शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो ये तो हमारा हो गया वन लाइनर क्वेश्चन, यहाँ तक जो है आपको काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। अब जो है हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का।
आई होप कि जो है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो चुके होंगे। अब आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है रिवीजन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, यानी 16 महाजनपद की जो सूची थी कहाँ से हमें जो है कहाँ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि धनानंद जो था क्या था, सिकंदर महान का समकालीन था, जिसको किसने पराजित किया था, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मौर्य साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण जो है कौन कौन थे। तो ये जो है आपको बताना है, कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपको जो है रिवीजन नहीं कराया गया है, तो हम इसमें जो है इससे हम जो है कवर कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, तो ये जो है सिकंदर के भारत में सफलता के जो है कारण कौन कौन थे। तो भारत में तब जो है कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, ये भी सही है, और उसकी सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है, और उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही बात है, और वह एक अच्छा प्रशासक था, यानी जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी जो है सही है, कारण थे। नेक्स्ट है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है, तो आइए जो है मिलान करते हैं। प्रद्योत, प्रद्योत हमने पढ़ाया था कि बिंबिसार ने जो है याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि प्रद्योत जो अवंती के शासक थे, जो पांडु रोग से जो है ग्रसित थे, तब बिंबिसार ने जीवक को जो है भेजा था उनकी सेवा सुरक्षा के लिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अवंती, अवंती के जो है शासक थे। और बात करें उदयन, तो उदयन जो था, उदयन ने जो है किसे वत्स जो है वत्स जनपद को जो है जीत लिया था। और बात करते प्रसेंजित की, तो प्रसेंजित कहाँ, तो प्रसेंजित जो थे कोसल, कोसल के जो है शासक थे। और अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु किसके, मगध से रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया मिलान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। जो है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये नहर जो है कहाँ में खोदी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कलिंग में जो है खोदी गई थी। नेक्स्ट है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने जो है अधीन किया था, वो कौन था। तो इसका नाम क्या था, का नाम था डेरियस। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो मगध के राजा अजात शत्रु का जो है युद्ध किसके साथ, बज्जी यानी वैशाली के साथ रहा, और इसने जो है वैशाली को हराकर अपने राज्य में जो है मिला लिया। नेक्स्ट है कि बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया। तो अभी हमने जो पढ़ा है बज्जी संघ के विरुद्ध कौन जो है युद्ध किया था, तो ये किया था अजात शत्रु ने, और इसने हराकर जो है अपने राज्य में मिला लिया था, यानी मगध में जो है शामिल कर लिया था।
नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश की बात करें तो नंद वंश के जो है संस्थापक थे महापद नंद, पर यहाँ क्वेश्चन में नंद वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी महा जो है धनानंद जो है नंद वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है कि भारत में सिक्का मुद्रा का प्रचलन जो है कब हुआ था? तो 600 ईस्वी पूर्व में जो है सिक्कों का प्रचलन हुआ था। निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, पहला अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन जो थे इनमें से दो थे, और ये दो कौन थे? तो अजातशत्रु और दूसरा प्रसेनजीत। तो ये जो दोनों थे बुद्ध के समकालीन थे, यानी एक और तीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 6वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों का उदय था इसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का जो है उपयोग होता था, तो ये जो है इसका जो है उदय का कारण था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा को जो है चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये प्रद्योत एक राजा था, और कहाँ के राजा? अवंती के राजा था, जिसकी जो है चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अवंती। नेक्स्ट है कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को किसने जीता था? अवंती को जो है शिशुनाग ने जीता, और अजातशत्रु ने किसा बज्जी यानी वैशाली को जीतकर जो है मगध में मिला लिया था। नेक्स्ट है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय, अंग जो है महाजनपद है जिसका विलय अपने राज्य में कर लिया, तो अंग जिसकी राजधानी कहाँ है? चंपा। इसको जो है बिंबिसार ने जो है अपने राज्य में जो है विलय कर लिया, यानी मगध सम्राट मगध में जो है विलय कर लिया था। नेक्स्ट है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो हमने अभी पढ़ा शिशुनाग ने जो है अवंती, वत्स और कौशल इन तीनों को जो है मगध सम्राट में मिला लिया था, लेकिन जो है काशी को जो है साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिच्छवी को जो है लिच्छवी यानी वैशाली, बज्जी वैशाली यानी जो लिच्छवी है उसको जो है मगध सम्राट में किसने मिलाया था? तो ये मिलाया था अजातशत्रु ने, काशी और लिच्छवी को जो है किसने? अजातशत्रु में। और अभी जो है हमने क्या पढ़ा? अभी हमने जो है अवंती, वत्स और कोसल इनको जो है मगध में किसने मिलाया था? तो ये शिशुनाग ने जो है मिलाया था। नेक्स्ट है कि मगध राज्य के बारे में जो है कौन सा इनमें से कथन सही नहीं है? तो मगध जो है पुराणों या महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी, ये जो है सही है। महापद नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षात्रक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की थी, ये भी सत्य है। यानी गरीबराज यानी राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी चार राजधानियां बनी, ये भी सत्य है। तो यहाँ जो है इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है कि इनमें कौन सही नहीं है? तो इनमें जो है सभी सही है, तो यानी इनमें से कोई नहीं है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किसने
किस राजवंश का एक शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश के शासक। और शासक कौन थे? धनानंद। और धनानंद को किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पराजित करके मगध पर कौन सा राज्य स्थापित किया था? मौर्य वंश का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट है, जो मिलान करना है सूची वन से, महाजनपद दिया हुआ है और दूसरे सूची में राजधानी दिया है, तो मिलान करना है। पहला है गंधार। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तत्सिला है, जो ये आजकल कहाँ है? पंजाब में स्थित है। और नेक्स्ट बात करें सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। और नेक्स्ट ऑप्शन सी है, सी वत्स। वत्स की जो है राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जहाँ पे प्रसेनजीत जो थे राजा थे। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के शासक, इसको अजात शत्रु को कुनिक का भी कहा जाता है, उनका नाम उपनाम कुनिक है, और इतिहास में इन्हें पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिख देता हूँ आपको पितृहंता, क्योंकि इन्होंने पिता की हत्या करके जो है किया था, पितृहंता। नेक्स्ट है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? तो ये किया था उदयन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति जो है ये जो है किया गया था 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में किया गया था। और उस समय काकवण के नाम से कौन फेमस थे? तो ये जो थे कालाशोक थे। नेक्स्ट है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ये कहाँ में हुई थी? यहाँ पे महान होगा, तो सिकंदर महान की मृत्यु जो है बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था हाइडे स्पीड का युद्ध, और ये युद्ध जो है उसने 326 ईस्वी पूर्व में लड़ी थी पोरस के साथ। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान यो पोरस, जिसे पुरु की सेनाओं ने जो निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये झेलम नदी के किनारे जो है पड़ाव डाला था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस मृद्भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी NBPW, उत्तरी यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिशकृत बर्तन। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहते कि पॉली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पॉली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था अवंतिका, यानी यही अवंती की राजधानी कहाँ था? अवंती की दो राजधानियां थी ना, एक कहाँ थी? एक उज्जैन और दूसरी माहिष्मती, और ये मालवा के आसपास के क्षेत्र जो है पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा।
ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंडर मीज कहा गया है? तो ये कहा गया है धनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में जो है ईरानियों द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया यूनानियों के द्वारा। भारत में, प्राचीन भारत में पहला तो ईरानियों द्वारा और दूसरा आक्रमण जो है यूनानियों द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत जो है बनाया? तो राइट आंसर है इसका डेरियस, जिसे दार बाहु वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइडे स्पेस या बितस्ता या झेलम का जो आधुनिक नाम झेलम है, जो कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और किनके किनके बीच जो है हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। तो यहाँ पे ईस्वी पूर्व ध्यान दे, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है। शासक दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है वंश दिया हुआ है। तो बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। तो ये जो है मिलान हो गया। और दूसरा कालाशोक, तो कालाशोक कौन थे? शिशुनाग वंश के संस्थापक तो नहीं थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही थे, पर शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक थे, यानी कालाशोक जो है शिशुनाग से रिलेटेड थे, और इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट है महापद्मनंद, तो महापद्मनंद तो मालूम होगा, ये जो है नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। और बिंदुसार की बात करें तो ये जो है किसे? मौर्य वंश से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि बिंदुसार एक अलग है और एक बिंबिसार अलग है। बिंदुसार क्या था? मौर्य वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। और बिंबिसार तो आपको मालूम ही है हर्यक वंश के संस्थापक थे। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी मिलान ही करना है। महाजनपद दिया हुआ है और आधुनिक क्षेत्र से रिलेटेड जो है बताना है। मगध, पहला है मगध। तो मगध जो है का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक था? तो पटना एवं गया जिला के जो है आसपास के एरिया जो है मगध के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बी वत्स, तो ये इलाहाबाद के एरिया के आसपास के एरिया जो है कौन सा जनपद था? तो वत्स जनपद। और नेक्स्ट है कौशल, तो कौशल किससे? अवध से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बात करें अवंती की, तो अवंती यानी उसकी राजधानी कहाँ थी? उज्जैन यानी महिष्मति, और ये आधुनिक जो है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत है, और ये कहाँ में? मध्य प्रदेश में है, आधुनिक में जो है फिलहाल में है। नेक्स्ट बात करें कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी, तो ये तो मालूम होगा गिरिब्रज यानी राजगिरी जो था मगध की प्रथम राजधानी। किस शासक द्वारा जो है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो राइट आंसर होगा उदयन। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र राजधानी का जो है निर्माण किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व में छठी जो है सदी में जो है प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था? तो राइट आंसर है मगध। मगध जो है छठी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली राज था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कच्चा लोहा
कि जो है भरपार जो है भरमार थी, इसलिए जो है यहाँ हथियार जो है काफी मात्रा में पाया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, दूसरा अभिलेख उत्कर्ण करने की कला का प्रचार, और तीसरा ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, और घंटाकार के गुंबज की कला का प्रचार, और नेक्स्ट है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी 1, 2, 3 और 4 या 5 यानी इनमें से सभी जो है सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो पहला क्या है कि उसने इस आक्रमण ने भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, और ऑप्शन नंबर बी क्या है कि इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और नेक्स्ट है कि सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ जो है डी सही हो जाएगा, सी प्रभाव नहीं था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उसने भारत को जो है यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो हमने बताया था पिछले बार में कि कपिल दो गणराज्य कौन कौन थे, कपिल वस्तु के शाक, कुशीनगर के मल और एक वैशाली के लिच्छवी, इन तीनों क्या था गणतंत्रात्मक जो है शासन प्रणाली यहाँ पे विकसित था, और एक ऐसा राज्य जो मगध था यहाँ पे जो है गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो राइट आंसर है बिंबिसार। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से किसे जो है उग्र सेना यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। तो नंद वंश के संस्थापक महानंद को जो है क्या कहा जाता था, उग्र सेन यानी भयानक सेना का स्वामी जो है कहा जाता था। नेक्स्ट है कि डेरियस यानी दार्यबाहुवन ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया, उससे कितना जो है राजस्व प्राप्त होता था। तो उससे जो है 360 टैलेंट जो है राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो निर्याकस भी आने वाला इतिहासकार था, एनासिक्रिस्टिस भी था, और ये था एरिस्टोबुलस भी था, यानी हेरोडेटस जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि महाजन पद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था श्रेष्ठी, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गृहपति, गृहपति का जो है अर्थ क्या है। तो 6वीं शताब्दी में जो है प्राचीन काल में जो है गृहपति का अर्थ था धनी किसान को जो है कहा जाता था गृहपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और पहला है अष्टकुलक। तो अष्टकुलक किसे कहा जाता था, तो परामर्शदायी संस्था को जो है अष्टकुलक कहा जाता है, यानी एक ये जो है वन के साथ मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट है महापात्र, तो महापात्र जो है उच्च कोटि के अधिकारी को क्या कहा जाता था, महापात्र कहा जाता था। नेक्स्ट है बलि साधक, तो बलि साधक जो है किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था, बलि साधक। और शुल्क अध्यक्ष किसे, तो शिल्पकियों और व्यापारियों से शुल्क और चुंगी वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था, शुल्क अध्यक्ष। तो ये जो है हमारा मिलान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं।
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारण कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था, इसीलिए इतिहास में पितृहत्या के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है महाजनपद है, उनकी राजधानियां दिया हुआ है, मिलान करना है। तो कुरु, कुरु की राजधानियां कहाँ थी? तो कुरु जो है आधुनिक कहाँ पड़ता है? दिल्ली हरियाणा वगैरह क्षेत्र जो है कुरु के अंतर्गत आता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी यानी पंचाल। तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्ति थी। नेक्स्ट है कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी, यानी उसे साकेत के नाम से भी जाना जाता था। और वत्स का मालूम हुआ, वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो गया, मिलान हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख कराता है? तो हमने जो है पहले ही पढ़ा था कि जो है 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी? तो गिरिब्रज भी तो है मगध की राजधानी रही थी, और पाटलिपुत्र भी रही थी, और कौशाम्बी जो है यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको मिटा देते हैं। कौशाम्बी जो है मगध सम्राट की राजधानी नहीं रही थी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका जिक्र हमने पहले भी कर चुके हैं। ये क्या नाम था? डेरियस, यानी दूसरा नाम क्या था? दर्यबाहु वन। नेक्स्ट है कि हाइडेस्पीज या बितस्ता या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो है 326 ईस्वी पूर्व में किन शासकों बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईस्वी पूर्व में किया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF जो है आप कहाँ से डाउनलोड कर लें? ये जो है लिंक दिया हुआ है, और ये लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं।